सरकारी शराब को अवैध तरीके से बेच रहा है युवक। 30 पौवे मस्ती ब्रांड सहित गिरफ्तार। रामपुर में जिला अधिकारी अनंजय कुमार सिंह द्वारा अवैध शराब की पूर्णबंदी अभियान के क्रम में आबकारी टीम आए दिन अपने काम को अंजाम दे रही है, जिसको लेकर आज आबकारी अधिकारी अवधेश राम के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक रोहित शर्मा में स्टाफ द्वारा थाना शाहबाद में बड़ा गाँव के पास रवाना पट्टी के दबिश की गयी। यहाँ एक घर में एक युवक द्वारा सरकारी शराब को अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा था, जिसके पास से लगभग 30 पौवे मस्ती ब्रांड बरामद हुए हैं। क्या शुभ नाम है साहब? रोहित शर्मा, आपका निरीक्षक क्षेत्र 4 साहब। क्या मामला था सर? आज मुखबिर से सूचना मिली कि रवाना पट्टी गांव में जो बड़ा गांव चौराहे के पास है, वहाँ पर एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब की विक्रय कर रहा है। किस तरह की अवैध शराब बेच रहा था सर? शराब तो ठीक है, बट वो इस तरीके से उसका कोई ना तो लाइसेंस है ना कुछ है, बिना लाइसेंस के शराब बेच रहा है। और जैसे ही सूचना मिली, तुरंत हमने अपनी टीम के साथ और शाहबाद थाने से सब इंस्पेक्टर साहब को लेने के बाद सीधे वहाँ पर दबिश दी। दबिश के बाद तुरंत तो वहाँ पर खरीदारी कराई तो वो बेचते हुए पाया गया और उसको तुरंत दबोच के हम सीधे थाना लेके आकर उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में चालान करा। कितने हैं सर? कितनी मात्रा? लगभग 30 पौवे हैं। कहाँ कहाँ बेच रहा था सर? दुकान में? कहीं घर में बेच रहा था। वहाँ के गांव के लोगों के लिए भी सतर्क किया गया कि वो इस तरीके से शराब ना लें और केवल सरकारी दुकानों से शराब की खरीदारी करें।